तो गीता की शुरुआत होती है किस शब्द से? धर्म, धर्म, ठीक है, धर्म क्षेत्रे। और जब गीता आपकी समाप्त होगी ना, जब आप 18वें अध्याय पे जाओगे, 18वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक है, उसमें कहते हैं संजय, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। आखिरी शब्द है मम। शुरू हुआ धर्म से, पहला चैप्टर पहला शब्द, आखिरी अध्याय आखिरी शब्द है मम। तो क्या हो गया? धर्म मम, मम धर्म। मम का अर्थ होता है संस्कृत में मेरा, मेरा धर्म। किसका धर्म? तो जब धर्म क्षेत्र की जब बात हुई कि वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण धर्म का निरूपण कर रहे हैं गीता के द्वारा, ये धर्म का ये जो हम 700 श्लोक पढ़ने वाले हैं, शुरू धर्म से होता है और अंत में भगवान क्या कहते हैं? मम धर्म, मेरा धर्म। धर्म वही होता है, आप अपने किसी भी वर्ण में, आप वर्णाश्रम में स्थित हो, अपना जो भी आप धर्म कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर उन धर्मों को निभाते हुए यदि आपको भगवान की कथाओं में रुचि नहीं आ रहा है, तो वो धर्म नहीं होकर के केवल श्रम है। श्रम एव ही केवलम भागवत में कहा गया। अपने अपने वर्णाश्रम में रहते हुए, अपने अपने धर्मों को निभाते हुए भी यदि विश्वक्सेनु कथासु, यह भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में यदि आपको रुचि नहीं आती है, तो श्रम एव ही केवलम। तो धर्म जो जिसकी फाइनल जो व्याख्या है वो एक ही है कि हम भगवान को याद करें। तो गीता का ये श्लोक धर्म से शुरू होता है, मम से एंड होता है। अब गीता का आखिरी श्लोक ले लिया तो थोड़ा सा बोली दूं उसके ऊपर भी। यत्र योगेश्वर है कृष्ण, भगवान का नाम दिया योगेश्वर, जो योग के ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, शब्दों को वोकैबुलरी अपनी बिल्ड करते जाना। जो योग के ईश्वर हैं, कंट्रोलर ऑफ योग। आप कोई भी योग कर रहे हो, गीता में भगवान कहते हैं मैं ही योगेश्वर हूं, मुझसे ही आया है। अंत में क्या, हर हर चैप्टर में कहेंगे, ही विल प्रूव हिमसेल्फ, हर चैप्टर में वो दिखाई देंगे वो। तो योगेश्वर, यत्र योगेश्वर, यत्र मतलब जहां, योगेश्वर साक्षात योग के ईश्वर जिनसे सब योग आया है, कृष्ण है। कृष्ण कौन है? जो रथ हाँक रहे हैं, जो दो हाथ में है, जो दोस्त बन करके खड़े हैं, सुख में दुख में यही एक अकेले मित्र हैं। तो यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां पर पार्थ धनुर्धर कर्मठ व्यक्ति, पार्थ धनुर्धर का अर्थ होता है कर्मठ व्यक्ति। हम जो कोई कर्म करता हो, आलसियों की बात नहीं। कई बार लोग भक्ति योग को सोचते हैं कि आलसी लोग हैं, लोग सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया, हमें कर्म नहीं करना। ना 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 ना, ऐसी बात तो नहीं करी थी गीता में। नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। एक क्षण के लिए भी भगवान ने डिक्लेयर किया है, एक क्षण के लिए भी कोई जो पैदा हुआ है ना, वो बिना कर्म के रह नहीं सकता। तो ये तो इल्यूजन में रहना नहीं। और जो कभी ये सोचे कि भक्त काम नहीं करते, ऐसा होता नहीं। मैंने आपको उदाहरण दिए हैं पहले के लेक्चर्स में कि भक्त जो होता है सच में, वो तो और ज्यादा काम करता है। उसको तो 24 घंटे कम लगते हैं। अरे लगता है कितना बोलू, कितना दे दू भगवान की बातें, उसको 24 घंटे कम लगते हैं भक्त को। और इतना उत्साह से करेगा वो। भक्त की जो स्थिति है वो अलग है। आलसी नहीं होता भक्त, भगोड़ा नहीं होता भक्त, कायर नहीं होता, और भक्त भिखारी भी नहीं होता। ये भी समझ लेना आप, केवल जो ना संसारी लोग होते हैं, अरे क्या भक्ति में घुसे हो आप, काम धाम करो, धन कमाओ, धन के साथ साथ थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा बीपी हाई करो, थोड़े डॉक्टर्स के बिल बढ़ाओ, कहाँ भगवान में लगे हो, क्या ये शांति शांति की बात कर रहे हो। 100 साल उम्र लिखी है, 50 साल में जाओ,
ही ड्रिंक एंड बी मैरी. तो भक्त उस डेफिनेशन में नहीं है. भक्त बड़े बड़े काम कर जाएगा आनंद में, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई बीपी हाई नहीं, कुछ नहीं. ठीक है. तो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरा, मैंने आपसे कहा पार्थ यानी जो पृथ्वी पुत्र, जैसे हम लोग मिट्टी के बने हुए हैं, मिट्टी के पुतले. लेकिन यदि हम कर्म कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को साथ में लेकर के चल रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए सारे कर्मों को उनसे जोड़ रहे हैं, तो हम सारा योग कर रहे हैं. योग का अर्थ है जुड़ना, हम भगवान से जुड़े हुए हैं. जहां ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कृष्ण और कर्मठ व्यक्ति का, काम करने वाले का, अकेले कर्मठ नहीं है, खाली हम काम कर रहे वैसा नहीं, कृष्ण और कर्म करने वाला दोनों, तो वहां क्या होता है, तत्र श्री, श्री यानी प्रॉस्पेरिटी, लोग भाग रहे हैं ना धन दौलत के पीछे, श्री विजय, विजय यानी जीत, हर चीज में वो व्यक्ति जीतेगा, श्री विजय भूतिर, भूतिर ऑपुलेंस ऐश्वर्य, और कैसा, कैसा कहते हैं ध्रुवा, ध्रुवा मीन्स जो स्थिर रहेगी. कई बार लक्ष्मी के बारे में कहते लक्ष्मी जी चंचला भाग जाती हैं, कभी आती कभी चली जाती हैं, लेकिन जहां श्री कृष्ण बैठ गए लक्ष्मी जी छोड़कर नहीं जाएंगी, याद रखना है इस बात को. कई लोग है केवल लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लेकिन कोई कृष्ण का भक्त हो लक्ष्मी को तो देखेगा भी नहीं, और लक्ष्मी जी वहां हाथ जोड़े खड़ी रहती है कि मैं, ये मेरे पति के भक्त हैं, इनको तो कभी तकलीफ होनी नहीं चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए. तो जहां श्री कृष्ण है तो वहां तो लक्ष्मी को होना ही है, तो श्री विजय जीत होनी ही है, ऐश्वर्य मिलना ही है, और कैसी, ध्रुव, ध्रुव ऐश्वर्य, ध्रुव श्री, ध्रुव विजय. और इसके साथ साथ एक बड़ी बात कहते हैं, नीतिपूर्ण मॉरालिटी के साथ. धन कमाया जा सकता है इमोरल वे से, गलत तरीकों से, लेकिन जो गलत तरीकों से धन कमाया गलत फल देगा और दुख देगा. लेकिन यहां पर भक्ति के रास्ते जो कोई चल पड़ा और कर्मठ होकर के चलता है, धन उसके पास आएगा, हो सकता है बड़े दिन बड़े लेट आए, लेकिन जब आएगा, क्योंकि उसने सही तरीके से धन कमाया, सही तरीके से सब कर रहा है, तो धीरे 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 उसके पास सब कुछ उसको मिलेगा, और वो उसके पास लंबे समय तक स्थिर रहेगा जब तक उस घर में भक्ति भाव है, जब तक भगवान की पूजा हो रही है तब तक वो स्थिर है. अगर आने वाली पीढ़ियां फिर बिगड़ गई फिर गड़बड़े. तो दोनों सी दोनों बातें साथ चलती हैं, भगवान श्री कृष्ण का साथ और हमारा अपना जो काम है. ठीक, तो ये मैंने इसलिए पढ़ा कि लोगों को लगता है भक्ति यानी ना उसके पास कुछ होगा नहीं, तो गरीब है. हम और साधनाएं करते हैं ना कुछ जिससे खूब धन आएगा. मैं यहाँ पर भक्ति की साधना बता रही हूँ, श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ जाओ हजारों लक्ष्मियां पीछे घूमेंगी, सच कहती हूँ. श्री ये बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन अभी ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करूं, आपका मन खींचने के लिए ये सब बातें कर रही हूँ. ठीक है, चलिए. तो ये जो धर्म का निरूपण है, मेरा धर्म, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से शुरू होता है, समवेता युत्सव. कुरुक्षेत्र का दूसरा अर्थ है जहां कर्म होता है, जहां धर्म होता है, जहां कर्म होता है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र. और समवेता युत्सव, सब इकट्ठे हुए हैं. हे संजय, ये बताओ कि मेरे पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में हो क्या रहा है और कर क्या रहे हैं वो लोग, और धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र के अंदर ये जो भावना, मेरा और दूसरे के पुत्र, राजा होकर के ये भावना आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये घर घर में कहानी है. स्वार्थ जहां घुसता है वहां प्रेम खत्म, बस हमारा राज्य, हमारा घर, हमारा जायदाद, हमारे पैसे, हमारा धन दौलत, हम इसको नहीं देंगे, हम उसको नहीं देंगे. जहां ये बातें होती है जिन घरों में, वो घर में ऐसे ही होना है, और उसमें
कोई धर्म के रास्ते चल पड़ा, किसी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, उसका तो काम बन गया। जो भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके केवल हम करेंगे कहते हैं, तो उनकी दुर्गति होनी निश्चित है।